किंगडम मोनेरा की। बेटा इस किंगडम के अंदर आपको सारे के सारे प्रोकैरियोट्स मिलेंगे बेटा, या मैं एक तरीके से कहूँ सारे बैक्टीरियाज को प्लेस किया गया था इसी किंगडम के अंदर बेटा। फर्दर हम लोग इसे डिवाइड करेंगे दो कैटेगरी में, एक को बोलेंगे आर्की बैक्टीरिया, एक को बोल देंगे यू बैक्टीरिया, और एक को बोल देंगे बेटा हम लोग माइकोप्लाज्मा। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनका साइज क्या हो सकता है। तो इनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, दे आर वेरी स्मॉलर इन साइज। कितना? लगभग बेटा 2 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक का इनका साइज हो सकता है। और ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एट वेरी फास्टर रेट, बहुत जल्दी डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें से जो माइकोप्लाज्मा है ये सबसे छोटा होता है, 0.3 माइक्रोमीटर इसका साइज होगा बेटा, 0.3 माइक्रोमीटर होगा। अब अगर मैं बात करूं इनके हैबिटेट की, तो बेटा ये आपको हर जगह मिलेंगे। आपको ये एयर में, वाटर में, सॉइल में, मैं कहूँ तो ये हर जगह आपको मिल सकते हैं। ये कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन वो होते हैं जो आप कहीं पे भी चले जाएं हर जगह पे मिलते हों, एवरीवेयर, हर जगह आपको ये मिलेंगे बेटा, कॉस्मोपॉलिटन ये होते हैं। तो ये तो इनके यूजुअल हैबिटेट हैं। अनयूजुअल हैबिटेट के तौर पे ये आपको ग्रो करते हुए मिल जाएंगे हॉट स्प्रिंग्स में, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, डीप सीज में जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, उसके अलावा आपको जो है कोल्डर रीजन्स में ये ग्रो करते हुए मिल जाएंगे। आपको ये सिम्बायोटिक फॉर्म में मिल जाएंगे, सिम्बायोट्स की फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सब इनके हैबिटेट हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे हम ये पढ़ते हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है बेटा। किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल का या किसी भी एक बैक्टीरिया का, किसी प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, उसके स्ट्रक्चर की बेटा हम लोग बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे बाहर किसी भी बैक्टीरिया को सराउंड करने के लिए सेल एनवलप होता है। अब ये सेल एनवलप 3 चीज़ों से मिलके बनेगा। सबसे पहले किसी भी बैक्टीरिया को सराउंड करने के लिए बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। दूसरे नंबर पे उस बैक्टीरिया को सराउंड करने के लिए बेटा सेल वॉल होती है, और तीसरे नंबर पे उस बैक्टीरिया को सराउंड करने के लिए एक ग्लाइकोकैलिक्स होता है, जिसे हम लोग आउटर मेम्ब्रेन कह सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो सबसे अंदर वाली लेयर है, उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो लेयर है उसे बेटा हम लोग सेल वॉल कहते हैं, और सबसे बाहर की तरफ जो होती है उसे बेटा हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। अब ये तीनों मिलके कहलाती हैं सेल एनवलप बेटा। ये तीनों मिलके कहलाएंगी सेल एनवलप, एनवलप, ठीक है। अब इसमें जो सबसे आउटर पार्ट है ग्लाइकोकैलिक्स, ये ग्लाइकोकैलिक्स दो फॉर्म में आपको मिल सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो ये ग्लाइकोकैलिक्स है, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ बेटा मैं, सेल एनवलप में मैं सबसे पहली चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स, ये ग्लाइकोकैलिक्स दो फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। या तो बेटा ये लूज शीथ की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, लूज शीथ की प्रेजेंट में होगा, जिसे हम लोग स्लाइम लेयर कह सकते हैं,
जिसे हम स्लाइम लेयर कह सकते हैं, और या तो ये बेटा टफ कैप्सूलर फॉर्म में होगा, ठीक है, टफ कैप्सूल फॉर्म में होगा। अगर ये स्लाइम लेयर की फॉर्म में है तो ये क्या करता है बेटा, लॉस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट से बचाता है। तो बेसिकली इसका फंक्शन होगा, इट बेसिकली प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द बैक्टीरिया। और अगर ये टफ कैप्सूलर फॉर्म में है तो पहली चीज़ तो ये जो कैप्सूलर फॉर्म है इसको पैथोजेनिक कैरेक्टर देगा, इसको पैथोजेनिक कैरेक्टर देगा। दूसरा, ये जो कैप्सूल है ये क्या करता है, इट ऑल्सो हेल्प द बैक्टीरिया फ्रॉम हाइडिंग द इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट। उस बैक्टीरिया को छुपने में होस्ट इम्यून सिस्टम से ये बचाएगा, ठीक है, होस्ट इम्यून सिस्टम से बचाने में ये हेल्प करेगा, प्रिवेंट करेगा कि भाई वो जो होस्ट इम्यून सिस्टम है वो उसे डिस्ट्रॉय ना कर सके। उसके अलावा दूसरे नंबर पे जो सेल वॉल थी बेटा, अब इस सेल वॉल के कंपोजिशन की बात कर लेते हैं कि ये सेल वॉल किससे बनी होगी। तो दूसरे नंबर पे बात करते हैं बेटा हम लोग सेल एनवलप में सेल वॉल की। तो सेल वॉल यहाँ पे दो चीज़ों की बनी होगी बेटा, पेप्टाइडो मतलब प्रोटीन पार्ट, और उसके साथ में ग्लाइकन कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होगा। तो ये दोनों चीज़ें मिलके पेप्टाइडोग्लाइकन बनाती हैं। ये क्या करेंगी बेटा, बैक्टीरिया को रिजिड स्ट्रक्चर देते हैं, ये बैक्टीरिया को रिजिडिटी प्रोवाइड करेंगी और बेटा प्रिवेंट करेंगी कि बैक्टीरिया बस्ट ना हो जाए या कोलेप्स ना हो जाए, प्रिवेंट करेंगी बस्टिंग एंड कोलेप्सिंग से, ठीक है जी, कोलेप्सिंग से। तो ये सेल वॉल होती है। तीसरे नंबर पे सबसे अंदर की तरफ क्या थी बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आइए अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। तो तीसरे नंबर पे जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होगा, तो बेटा ये बनी तो होगी किससे, लिपिड बाइलेयर से। जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सिमिलरली इनकी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। जैसे हमारी लिपिड बाइलेयर से बनी हुई है, सिमिलरली इनकी भी लिपिड बाइलेयर की ही होती है। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं इसमें बाहर की तरफ क्या देखने के लिए मिलेगा। तो इसको बाहर एक्सटेंशंस मिलेंगे या आउटर अपेंडिजेस की बात करूँ तो आपको बैक्टीरिया के किसी एक एंड पे बेटा फ्लैजिला लगे हुए मिल सकते हैं, ठीक है। फ्लैजिला एक एंड पे होंगे और बहुत कम नंबर में होते हैं, मिनिमम 1 से 4 हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आपको चारों तरफ बेटा बहुत सारी फिम्ब्री लगी हुई मिल सकती हैं, ठीक है। इनके फंक्शन फिम्ब्री के होते हैं, इस बैक्टीरिया को ये हेल्प करते हैं किसी भी होस्ट की बॉडी से या सबस्ट्रेटम से या रॉक से अटैच करने में। तो ये तो फ्लैजिला हो गया और ये हो गया बेटा फिम्ब्री। उसके अलावा आपको किसी भी बैक्टीरिया में एक एंड पे देखने के लिए मिलेगा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हो सकता है बेटा, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल सकता है, जिन्हें हम लोग पीली बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग पीली बोलते हैं, लोग पाइलाई भी पढ़ते हैं इसे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इनके फंक्शंस की, कि इनका फंक्शंस क्या होगा। तो आइए मैं सबसे पहले फ्लैजिला का फंक्शन बता देता हूँ आपको। जो आउटर अपेंडेज लगे हुए हैं उसमें सबसे पहला है फ्लैजिला। फ्लैजिला लॉन्गर होता है, साइज में थोड़ा बड़ा होता है और ये आपको एक एंड पे देखने के लिए मिलेगा, लगा हुआ मिलेगा। और इस फ्लैजिला का मेन काम होता है लोकोमोट करवाना या बैक्टीरिया के लोकोमोशन में। ये फ्लैजिला जो बैक्टीरिया के अंदर होता है ये फ्लैजिलिन नाम की एक प्रोटीन से बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होगा। ये फ्लैजिलिन प्रोटीन या इसका जो प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है वो यूकैरियोटिक फ्लैजिला से
ठीक है, यूकैरियोटिक फ्लैजिला से कैसे अलग होता है? इनका फ्लैजिला जो बना है वो फ्लैजिलिन से बना है, और यूकैरियोट्स का जो फ्लैजिला बना होगा वो बेटा बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, ऑल दो फंक्शन सेम ही रहने वाला है। दूसरे होते हैं बेटा यहाँ पे आउटर अपेंडेज में फिम्बरी। फिम्बरी का काम होता है अटैच करवाना बेटा, इनका काम है क्या करवाना, अटैचमेंट करवाना टू होस्ट, और इट ऑल्सो हेल्प इन अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम, ठीक है। या मैं कह सकता हूँ कि सपोज करो ये अटैच करवा सकते हैं टू रॉक्स, रॉक्स को अटैच करने में भी ये मदद कर सकते हैं। और तीसरा एक अपेंडेज है बेटा जिसे मैं कह रहा हूँ पाइलाई। पाइलाई क्या करता है बेटा, ये एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्जुगेशन में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, यहाँ पे एक दूसरा बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के पास में एक सर्कुलर डीएनए होता है जिसे हम लोग फर्टिलिटी प्लाज्मिड कहते हैं। अभी मैं बताऊँगा क्या होता है, जिसे हम फर्टिलिटी प्लाज्मिड कहते हैं, अभी प्लाज्मिड को मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ये जो फर्टिलिटी प्लाज्मिड इनके पास है, जिन बैक्टीरिया के पास है, उन बैक्टीरिया को हम लोग एफ प्लस कहते हैं। इस प्लाज्मिड के पास में अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, मतलब ये अपनी कॉपी तैयार कर सकता है, ठीक है, जिसके पास भी अपना ओराई है वो रेप्लिकेट कर सकता है, और इन्होंने एक और एफ प्लाज्मिड को तैयार कर लिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये बेटा पीली की मदद से ऐसे अटैच हो जाएंगे, ये पीली की मदद से अटैच हो जाएंगे और ये सेक्स पाइलस को फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। इसे पीली की मदद से इन्होंने क्या किया, सेक्स पाइलस फॉर्म कर लिया, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो डीएनए है, ये वाला जो डीएनए था, ये यहाँ से अनकॉइल्ड होगा और बाहर निकल जाएगा, इसमें आ जाएगा, और ये वाला बैक्टीरिया के पास में भी अब एफ प्लाज्मिड होगा। तो जो बैक्टीरिया जिसके पास पहले था वो एफ पॉजिटिव था, जिसके पास पहले नहीं था वो एफ नेगेटिव था, लेकिन अब इस सेक्स पाइलस की मदद से ये जो प्लाज्मिड था इस बैक्टीरिया के अंदर आ गया, तो ये बैक्टीरिया भी अब एफ पॉजिटिव हो जाएगा, ये बैक्टीरिया भी अब एफ पॉजिटिव हो जाएगा। और इस प्रोसेस को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कॉन्जुगेशन कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉन्जुगेशन बेटा, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन करने में ये पाइलाई मदद करते हैं, ठीक है, और इसको बनाती है एक प्रोटीन जिसका नाम है पाइलिन प्रोटीन बेटा, ये पाइलिन प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। और ये एक तरीके का जो कॉन्जुगेशन है, ये एक प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये एक प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मतलब इसे मैं प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना तो गैमेट बन रहा है, ना ही यहाँ पे कोई भी गैमेट का ट्रांसफ़र हो रहा है, ना गैमेट का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब फ्यूज़न हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर भी वेरिएशन आ सकता है। कैसे, देखिए इस बैक्टीरिया के अंदर ये एफ प्लाज्मिड पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन लेटर ऑन ये एफ प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया के पास आ गया। आया किसकी मदद से आया, ये आया सेक्स पाइलस की मदद से। तो ये होते हैं बेटा पाइलाई, और पाइलाई का फंक्शन मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से बेटा कुछ इनफोल्डिंग्स बना लेती है, इस तरीके से कुछ इनफोल्डिंग्स को डेवलप कर लेती है। अब ये जो इनफोल्डिंग्स या इनवेजाइनेटेड एक्सटेंशंस हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेटा, इन्हें हम लोग मीजोजोम कहने लग जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, मीजोजोम कहते हैं, इन्हें हम मीजोजोम कहते हैं। मीजोजोम का यहाँ पे फंक्शन क्या होता है, मीजोजोम का काम होता है बेटा क्या करवाना, रेस्पिरेशन करवाना, क्योंकि इनके पास में, इन बैक्टीरियाज के पास में बेसिकली ये प्रोकैरियोट्स हैं, तो इनके पास भी कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होगा, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, कुछ भी नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गॉल्जी कुछ भी नहीं होता इनके पास, लाइसोजोम नथिंग कुछ नहीं होगा, बस एक राइबोसोम तो मिल जाएंगे, वो भी थोड़े से 70S टाइप के, छोटे टाइप के राइबोसोम इनके पास आपको मिलेंगे, बाकी इनके पास में कुछ नहीं मिलेगा। तो जब इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, जैसे हम लोग हैं, हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन अस, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन मीजोजोम पे होता है बेटा। तो मीजोजोम इनका क्या करती है, सरफेस एरिया को बढ़ाने में मदद करती है। मीजोजोम क्या करती है, इंक्रीज कर देती है बेटा सरफेस एरिया को,
ताकि एंजाइमेटिक कंटेंट या एंजाइम्स अच्छे से एक्ट कर सकें। उसके अलावा ये जो मीजोजोम है बेटा, ये इनके रेप्लिकेशन में मदद करती है, ये इनके डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करती है। उसके अलावा सेल वॉल फॉर्मेशन में बेटा ये मदद करेगी मीजोजोम। और उसके अलावा ये क्या करेगी, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है डॉटर सेल का उसमें भी मदद करेगी, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल के लिए भी या दो सेल जो बनेंगी उसमें भी ये मीजोजोम का रोल होता है। अब मीजोजोम जैसे ही कुछ होते हैं जिन्हें बेटा हम लोग क्रोमैटोफोर कह देते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक, जैसे साइनोबैक्टीरियाज हैं, तो उनमें भी इस तरीके का एक्सटेंशन बन गए, लेकिन उसमें क्या है, पिगमेंट भरा हुआ है, उसमें जो है पिगमेंट है। तो अगर पिगमेंट कंटेनिंग एक्सटेंशन होते हैं, पिगमेंट को कंटेन करके ये एक्सटेंशन होते हैं, तो उन्हें हम लोग बेटा क्रोमैटोफोर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे, क्रोमैटोफोर कहेंगे। और ये क्रोमैटोफोर बेसिकली आपको साइनोबैक्टीरिया में मिलेंगे। नॉर्मल बैक्टीरिया में मीजोजोम मिलेगा, साइनोबैक्टीरिया में आपको क्रोमैटोफोर मिलेंगे। और इनका रोल क्या है, फोटोसिंथेसिस में इनका रोल होता है क्रोमैटोफोर का, और ये स्ट्रक्चर मीजोजोम जैसे होते हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा किसी बैक्टीरिया में और क्या मिलेगा आपको बेटा, आपको किसी भी बैक्टीरिया के अंदर, किसी भी बैक्टीरिया के अंदर इनका जो डीएनए है या इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस तरीके से सर्कुलर कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। लेकिन इसे आप न्यूक्लियस नहीं कहोगे, क्योंकि ये इनके पास न्यूक्लियस होता ही, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं, वेल डेवलप न्यूक्लियस होता नहीं है, इसलिए इन्हें हम लोग प्रिमिटिव कैरियन में या प्रोकैरियोट्स में रख रहे हैं। तो इनके पास में न्यूक्लियस ना होके इनके पास में एक स्ट्रक्चर होगा बेटा, जिसे हम लोग न्यूक्लियॉइड कहते हैं। न्यूक्लियॉइड में क्या देखने के लिए मिलेगा कि इनका जो डीएनए है, इनका जो डीएनए है वो सर्कुलर है, ये सर्कुलर डीएनए है। तो ये जो सर्कुलर डीएनए इनका है, ये सर्कुलर डीएनए बेसिकली क्या करेगा बेटा, नेगेटिवली चार्ज्ड होगा, ये नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए होगा। ये बाइंड कर जाएगा कुछ पॉजिटिव चार्ज की प्रोटीन के साथ, जिन्हें हम लोग पॉलीअमीन कहते हैं, और इनके साथ में मिलके ये स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा, जिसे हम लोग न्यूक्लियॉइड कह देते हैं। ठीक है, उसके अलावा मेन डीएनए के अलावा बहुत सारे इनके पास में बेटा सर्कुलर डीएनए मिलते हैं जो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। इन डीएनए को हम लोग प्लाज्मिड कहेंगे बेटा। ठीक है, मैंने क्या बताया, इनके पास में मेन डीएनए के अलावा भी बहुत सारे सर्कुलर डीएनए होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्लाज्मिड कैसे दिखाई देंगे, तो आइए प्लाज्मिड की बात कर लेते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, हम लोग अब बात कर लेते हैं प्लाज्मिड की, कि प्लाज्मिड कैसे दिखाई देते हैं या प्लाज्मिड होते क्या हैं। तो प्लाज्मिड को डिफाइन किया गया है कि ये बेटा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए होते हैं। ठीक है, मतलब ये प्लाज्मिड मेन डीएनए को छोड़ के, ये मेन डीएनए है, इस मेन डीएनए को छोड़ के जो भी अलग डीएनए यहाँ पे दिखाई दें सर्कुलर, वो सब क्या हैं, हमारे प्लाज्मिड हैं। मेन डीएनए को मैंने क्या कहा, न्यूक्लियॉइड कह दिया। तो मेन डीएनए के अलावा जो भी डीएनए यहाँ पे मिलेगा वो आपका प्लाज्मिड कहलाएगा। प्लाज्मिड क्या करता है, तो प्लाज्मिड किसी भी बैक्टीरिया को देता है, इट कॉन्फर्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, किसी भी बैक्टीरिया को एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक देने का काम करेगा बेटा, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक देने का काम करता है ये। ठीक है, उसके अलावा ये प्लाज्मिड के टाइप कौन कौन से होते हैं, टाइप की बात कर लेते हैं। तो बेटा तीन तरीके के प्लाज्मिड हैं। एक तो हमने अभी इस कॉन्जुगेशन में पढ़े, जिन्हें कहा गया था एफ प्लाज्मिड या फर्टिलिटी प्लाज्मिड। एक बैक्टीरिया में होते हैं जिन्हें बेटा कहते हैं हम लोग टी आई प्लाज्मिड। ठीक है, क्या कहते हैं, टी आई प्लाज्मिड या ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। और एक होते हैं बेटा आर प्लाज्मिड या रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। ठीक है, एफ का मतलब मैंने बताया फर्टिलिटी प्लाज्मिड, टी आई का मतलब होता है बेटा
ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, और आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, प्लाज्मिड। मतलब कहने का ये है, इन तीनों के फंक्शन समझ लीजिए बेटा, इन तीनों के फंक्शन समझ लीजिए, तीनों के फंक्शन क्या होने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एफ प्लाज्मिड का बता देता हूँ। एफ प्लाज्मिड का जो रोल है, एफ प्लाज्मिड का जो रोल है वो तो बेटा कॉन्जुगेशन में होगा, मतलब जिस भी बैक्टीरिया के पास में ये एफ प्लाज्मिड है वो डोनर के तौर पे बिहेव करेगा, है ना, और जिसके पास में नहीं है वो रिसिपिएंट के तौर पे रोल प्ले करेगा। कैसे रोल प्ले करेगा? डोनर पहले अपनी रेप्लिकेट करेगा, एक कॉपी बनाएगा, सेक्स पैलेस से जुड़ेगा, ये वाला इसके अंदर चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को कॉन्जुगेशन कहा। तो एफ प्लाज्मिड क्या करता है, एक प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र करता है। टी आई प्लाज्मिड बेसिकली किसके पास होते हैं, ये एक बैक्टीरिया होते हैं एग्रोबैक्टीरियम, इन एग्रोबैक्टीरियम के अंदर ये टी आई प्लाज्मिड होते हैं, और ये क्या करते हैं, किसी भी डाइकॉट प्लांट के अंदर, ये किसी भी डाइकॉट प्लांट के अंदर ट्यूमर इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, ट्यूमर की फॉर्मेशन करवा सकते हैं। टी आई का मतलब है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, टी आई का मतलब है ट्यूमर इंड्यूसिंग। तो ये क्या कर सकते हैं, ये बेटा ट्यूमर की फॉर्मेशन करवाने में मदद करते हैं प्लांट्स के अंदर। आर प्लाज्मिड जिन भी बैक्टीरिया के पास होगा, ध्यान से सुनिएगा, आर का मतलब रेजिस्टेंट है। तो जिन भी बैक्टीरिया के पास सपोज करो ये आर प्लाज्मिड है, अब मैं अगर इन बैक्टीरियाज़ के ऊपर एंटीबायोटिक डालता हूँ, तो एंटीबायोटिक जनरली क्या करती हैं, बैक्टीरियाज़ को किल कर देती हैं। लेकिन जिन बैक्टीरिया के पास में आर प्लाज्मिड है वो क्या करेगा, वो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स को बनाएगा जो इस एंटीबायोटिक के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देगी, जो इस एंटीबायोटिक के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देगी, मतलब ये रेजिस्टेंट बनाती हैं इन्हें किसी एंटीबायोटिक से। ये काम होता है आर प्लाज्मिड का बेटा, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये प्लाज्मिड मिल गए, इसी तरीके से बेटा आपको यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे सर्कुलर क्रोमोसोम मिलेंगे, इस तरीके से सर्कुलर क्रोमोसोम कह रहा हूँ, सर्कुलर बॉडीज़ मिलेंगी जो नॉन मेम्ब्रेन्ड होते हैं, उन्हें बेटा हम लोग क्या कहेंगे, उन्हें हम लोग कहेंगे राइबोसोम, 70S राइबोसोम, ठीक है, छोटे वाले राइबोसोम इनके पास होंगे। मतलब इनके पास में जो बड़ी यूनिट होगी वो 50S होती है और छोटी सब यूनिट इनके पास 30S होगी। अब ये बात आपको कैसे समझ में आए, तो ये बात आपको ऐसे समझ में आएगी बेटा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आप ये बात आप कैसे समझेंगे, मैंने बोला कि राइबोसोम जो होते हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक होते हैं जिन्हें 70S कहते हैं, ये केवल आपको प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं, इनके पास में एक बड़ी सब यूनिट 50S होती है, छोटी सब यूनिट 30S होती है। तो ये जो 50S सब यूनिट है ये बड़ी सब यूनिट है, और 30S सब यूनिट छोटी सब यूनिट है, तो यहाँ पे क्या होगा, 50 और 30 एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो यहाँ पे 10S पार्ट ओवरलैप करता है और इसकी ओवरऑल डेंसिटी 70S निकल के आती है, ठीक है। तो 70S राइबोसोम आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, इनके जो राइबोसोम हैं वो इनके एक mRNA के ऊपर बाइंड करके, बहुत सारे राइबोसोम की चेन एक mRNA के ऊपर बाइंड करके एक स्ट्रक्चर को बना लेती है जिसे हम लोग पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं, जिसे हम पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं, पॉलीराइबोसोम, और एक और नाम है इसका अर्गाजोम, ठीक है। तो पॉलीराइबोसोम या अर्गाजोम कैसे मिला, जब राइबोसोम की एक चेन किसी mRNA के ऊपर बाइंड कर जाती है तो ये पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम या अर्गाजोम की फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके रहे बेटा ये राइबोसोम्स। इसके अलावा इनके अंदर आपको कुछ नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और मिलेंगे बेटा, जिन्हें हम लोग कहते हैं ग्रैन्यूल्स, ठीक है, ग्रैन्यूल्स। ये ग्रैन्यूल्स का बेसिकली काम होता है स्टोरेज करवाना किसी भी फूड पार्टिकल का। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, और आपको यहाँ पे बेटा ग्रैन्यूल्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स बेसिकली क्या करते हैं, स्टोरेज करवाने का काम करते हैं। तो कौन कौन से ग्रैन्यूल मिल सकते हैं, जैसे बेटा यहाँ पे आपको ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्रैन्यूल मिल सकता है जो ग्लाइकोजन को स्टोर करेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे बेटा सल्फ़र ग्रैन्यूल्स मिल सकते हैं, सल्फ़र ग्रैन्यूल्स मिल सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे बेटा पॉली बीटा हाइड्रोक्सीबुटाइरेट
ग्रेन्यूल्स भी मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं? पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट ग्रेन्यूल्स भी मिल सकते हैं। और कुछ बैक्टीरिया के पास में, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, उन बैक्टीरियाज के पास में आपको गैस वैक्यूल मिल सकते हैं, गैस वैक्यूल मिल सकते हैं, ठीक है जी, गैस वैक्यूल मिल सकते हैं। तो गैस वैक्यूल बेसिकली बैक्टीरिया को क्या करते हैं, ये बेटा बैक्टीरिया को बॉयोंसी प्रोवाइड करते हैं। बॉयोंट बनाने का मतलब पानी के अंदर है, उन्हें फ्लोट करने में मदद करेंगे। तो ये सारे स्ट्रक्चर हैं जो किसी भी बैक्टीरिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे बेटा, किसी भी बैक्टीरिया में ये सारे स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब हमने क्या किया है, हमने क्या किया है, बैक्टीरियाज को सेल वॉल के बेसिस पे दो कैटेगरी में बांटा हुआ है बेटा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैंने क्या कहा कि सेल वॉल के बेसिस पे हमने बैक्टीरियाज को दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। वो दो कैटेगरी कौन कौन सी हैं बेटा? एक को कहते हैं हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक को कहते हैं हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और एक होते हैं बेटा जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। वो बैक्टीरिया जिनके पास में सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, उसके चारों तरफ एक थिक सेल वॉल थी, एक थिक सेल वॉल थी, ये सेल वॉल काफ़ी थिक है बेटा इनकी, ठीक है, इनकी सेल वॉल काफ़ी ज़्यादा थिक है। तो वो बैक्टीरिया जिनमें अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो और बाहर की तरफ एक थिक सेल वॉल मिले, थिक सेल वॉल मिले, ठीक है, और वो बैक्टीरिया जिनके अंदर अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, उसके बाद में थिन सेल वॉल थी, क्या थी, थिन सेल वॉल थी, और उसके अलावा भी यहाँ पे एक और आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी बेटा। तो ऐसे बैक्टीरिया हमारे ग्राम नेगेटिव होते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्रैम, क्या नाम था, क्रिश्चियन ग्रैम नाम था उनका। तो क्रिश्चियन ग्रैम ने क्या किया था, इन बैक्टीरियाज को एक डाई होती है बेटा, ठीक है, उसे क्रिस्टल वॉयलेट कहा जाता है, उस डाई कहूँ या मैं इसे स्टेन कह दूँ, ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट कहते हैं इसे, ये एक स्टेन थी। तो इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया के ऊपर, दोनों के ऊपर ग्राम स्टेन को डाला। तो जो भी बैक्टीरिया इस क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन कर पा रहा था, ठीक है, मतलब जिनकी सेल वॉल ज़्यादा थिक थी, वो क्या कर रहा था, इस क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को क्या कर रहा था, ज़्यादा रिटेन कर रहा था। तो जो बैक्टीरिया ज़्यादा क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन कर पा रहा था, उनको तो कह दिया ग्राम पॉजिटिव, और जिसकी जो सेल वॉल थी उस पर कोई भी क्रिस्टल वॉयलेट रिटेन नहीं हो रहा था, उनको बेटा कह दिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मतलब ग्राम स्टेनिंग एक टेक्निक होती है, क्या होती है, ग्राम स्टेनिंग एक टेक्निक होती है जिससे हम लोग बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। तो क्रिश्चियन ग्राम ने इस टेक्निक को दिया जिसमें इन्होंने क्रिस्टल वॉलेट को यूज़ किया, जो बैक्टीरिया उस क्रिस्टल वॉलेट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा था, ज़्यादा रिटेन कर रहा था, उनको ग्राम पॉजिटिव कह दिया, और जो कम रिटेन कर पा रहे थे उन्हें बेटा क्या कह दिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कह दिया, उन्हें हमने क्या कह दिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कह दिया। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? और इसमें बेसिकली इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, मतलब आप क्या करें, सबसे पहले किसी भी एक बैक्टीरिया का स्मेयर ले लें, छोटा सा पार्ट ले लें, उसे स्लाइड पे रख दें, ठीक है, स्लाइड पे रख दें, फिर आप यहाँ पे क्या करें, इस क्रिस्टल वॉलेट को डाल दें, आप क्रिस्टल वॉलेट को डाल दें, या क्रिस्टल वॉलेट को हम लोग ग्राम स्टेन कहते हैं, आप उसे डाल दें। अब डालने के बाद आप क्या करें बेटा, उसके बाद में आप यहाँ पे उसे यहाँ पे आप वॉश कर दें, और वॉश करने के बाद फिर से आप आयोडीन को डाल दें। तो आयोडीन क्या करेगा, आयोडीन और क्रिस्टल वॉलेट, ठीक है, आयोडीन और क्रिस्टल वॉलेट, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, क्या करते हैं, आयोडीन और क्रिस्टल वॉलेट आपस में
कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। अब जो बैक्टीरिया, ध्यान से सुनिएगा, जो बैक्टीरिया क्रिस्टल वॉलेट को रिटेन कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो अपीयर होगा पर्पल। तो जो बैक्टीरिया पर्पल अपीयर हुए उन्हें हम लोग कह देंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो अपीयर होंगे बेटा, जो अपीयर होंगे जिनके ऊपर कोई कलर नहीं आएगा क्योंकि रिटेन बिल्कुल नहीं करेंगे, तो हम फिर से क्या करेंगे बेटा, सेफ्रनिन एक होती है रेड कलर की, उस सेफ्रनिन को डालेंगे। सेफ्रनिन डालने के बाद में वो हमें पिंक अपीयर होंगे। तो जो पिंक कलर के बैक्टीरिया आएंगे उन्हें हम लोग कह देंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बेटा, उन्हें हम नाम देंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो जिनकी सेल वॉल थिक होती हो। अब कितनी थिक हो सकती है, तो बेटा ये 70-80 नैनोमीटर तक की हो सकती है, या आप ऐसा करें, आप याद रख लें 20-80 नैनोमीटर तक की इनकी सेल वॉल हो सकती है। और इनकी जो सेल वॉल की थिकनेस होगी वो आपको बेटा 10 से 12 नैनोमीटर की थिकनेस मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा इनकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर म्यूरिन बेटा 70-80% म्यूरिन कंटेंट मिल सकता है। ठीक है, और इनकी सेल वॉल में आपको जो म्यूरिन कंटेंट मिलेगा वो बेटा 10-20% म्यूरिन आपको इनकी सेल वॉल में देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा इनके अंदर आपको एडिशनल एक टेकोइक एसिड मिलेगा, यहाँ पे आपको प्रेजेंट मिलेगा इनकी सेल वॉल में आपको बेटा टेकोइक एसिड एब्सेंट मिलता है। आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होंगे वो बहुत कम पैथोजेनिक मिलेंगे, मतलब डिजीज़ कॉजिंग कम मिलेंगे। और इसमें जो मोस्टली बैक्टीरिया होंगे वो बेटा पैथोजेनिक होंगे, डिजीज़ कॉजिंग होंगे, पैथोजेनिक होंगे और डिजीज़ कॉजिंग होंगे। तो ये रही बेटा आपकी सेल वॉल के बेसिस पे बैक्टीरिया की कैटेगराइजेशन। अब हम लोग वापस आ जाते हैं उसी डायग्राम के ऊपर। तो मैंने आपको लगभग सारे पार्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं, फ्लैजिला, फिम्बरी, पाइलाई, मीजोजोम, जितने भी ग्लाइकोकैलिक्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के कंपोजिशन, मीजोजोम का भी टाइप जिसे क्रोमैटोफोर कहा, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड, 70S राइबोसोम, और उसके अलावा ग्रैन्यूल्स, गैस वैक्यूल, ये सारी चीज़ें। अगर किसी को भी डाउट या परेशानी हो तो बेटा वो ऑफलाइन आके मुझसे पूछ सकता है।